तो जैसा कि दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये अविता का लैपटॉप है। ठीक है, यहाँ पास ये मॉडल लिखा हुआ है, ये सॉरी कंपनी अविता ये लिखा हुआ है। और इसका जो मॉडल है मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए NS14A6। ठीक है, तो ये इसका मॉडल है और ये इसका कनेक्टर है, चार्जर पिन बोल सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ लगा दिया हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये जो है LED ब्लिंक कर रहा है। राइट, तो इसमें जो है पावर तो आ गया है। बार अपन जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यह जो है चालू नहीं हो रहा है। इसमें जो है दोस्तों कीबोर्ड जो है देख पा रहे हैं, ये कीबोर्ड है और इसका जो है पावर बटन भी ये जो है कीबोर्ड के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया है। अब अपने को अगर चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन बाहर निकालेंगे, जो मैं निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये अपना चार्जर का केबल है, इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना 3 वोल्ट का कॉयल है और ये जो है 5 वोल्ट का कॉयल है। यहाँ पर अपन वोल्ट चेक कर लेते हैं, 5 वोल्ट देख पा रहे हैं, बराबर आ रहा है। और ये 3 वोल्ट का कॉयल है, 3 वोल्ट भी बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है ये बोर्ड यहाँ तक ये ओके है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है। और इसका जो है ये जो कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं, कीबोर्ड जो पीछे लगा है उसका ये केबल है और ये केबल उसी का केबल है, ये ऊपर वाला नहीं। ये मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो केबल लगा हुआ है ये कीबोर्ड का ही केबल है जो यहाँ से एक्सटेंड किया गया है और यह केबल आके यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है बोर्ड के साथ। ठीक है, ठीक है, तो अब अपने को चेक करना है कि कीबोर्ड जो है कीबोर्ड का मान लीजिए हम लोग पिन नंबर 1 इधर से अपन कनेक्ट करते हैं, पिन नंबर 1 चेक करते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्टर ये लगा हुआ है तो ये पिन नंबर 1 इधर से, पिन नंबर 1 ठीक है, बजर आ रहा है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पिन नंबर 1 है इसका और यहाँ जो है टोटल 28 पिन है। राइट, 28 पिन है। तो अपने को जो है यहाँ पर जो स्विच बटन जो इसके लिए जा रहा है कीबोर्ड पर, उसका जो है पिन नंबर 25 और 26 है। ठीक है, तो अपन इसका ग्राउंड में आपको चेक करवा देता हूँ, पिन नंबर कौन सा ग्राउंड है समझ आ जाएगा। जैसा बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड, जैसा मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं, ये ग्राउंड है जैसे पता है। और पिन नंबर अपने को है 20, इधर से लेंगे 28 हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 करके 28। तो अपने को पिन नंबर 25 ग्राउंड है। अब अपन ये चार्जर लगाते हैं और इसको अपन रखते हैं नंबर पर DC में। तो पिन नंबर 25 जो है इसका ग्राउंड है और पिन नंबर 26 में आप देख पा रहे हैं 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 25 जो पिन है इसका ये ग्राउंड है। मैं आपको फिर से आपको चेक करवा देता हूँ, पिन नंबर 25 ग्राउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा पिन नंबर 25 ग्राउंड और पिन नंबर 26 जो है हमारा जो है 3.3 वोल्ट जो जाता है स्विच के लिए, तो वो स्विच बटन है। तो अपन इसको एक बार लगा देते हैं,
उसको हम ट्रिगर करके मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे इसको खोले थे वैसा हम यहाँ लगा देते हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं चार्जर। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिए हैं, पावर लाइट आ गया है, देख पा रहे हैं आप 25 और 26 ए, हाँ 25 26 को एक बार हम, हुआ क्या, नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ये ग्राउंड यहाँ के साथ भी हम कर सकते हैं 26। ठीक है, ये टच हो गया है। वाओ, देख पा रहे हैं क्योंकि पूरा जो ऊपर का जो एल्युमिनियम का जो प्लेट लगा हुआ है वो जो है ग्राउंड है, और 20 जो है 6 पिन पर हमने टच कर दिया है एक बार, और हमारा ये लैपटॉप चालू है। अब हमको कीबोर्ड अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कंफर्म तो हो गया है कि अपना जो है कीबोर्ड का जो है ये स्विच बटन प्रॉब्लम कर रहा है, बोर्ड में हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया तो आपके लिए काम करना बहुत इजी हो गया। अब तो आप चाहें, अगर इसका कीबोर्ड बहुत कॉस्टली आ रहा है तो आप चाहो एक स्विच वगैरह कहीं से अपन लगा सकते हैं। तो मैं भी इसमें स्विच ही लगाऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से इसको बना रहा हूँ, और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप चाहे तो आप अपने इच्छा अनुसार एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेट, अगर आप हमें कुछ करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। अब आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ आएगा क्योंकि इसका जो है पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26, ठीक है, ये दोनों पिन जो है अपना स्विच का कनेक्शन है। तो अब ये इसका जो कीबोर्ड वो काम कर नहीं रहा है तो अपन यहाँ से दो वायर निकालेंगे, एक ग्राउंड है, अपन ग्राउंड बोर्ड में कहीं से भी अपन यूज़ कर सकते हैं, पूरा ग्राउंड होता है बोर्ड में, और एक पिन नंबर इसका जो है यहाँ से अपन लेंगे। सही है, अब अपने को इस प्रकार से एक स्विच है, स्विच हमने बहुत टाइप का देखा हुआ है, तो जो है अपना किस प्रकार से अपन इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बराबर बैठे भी और खूबसूरत भी दिखे। तो हमने जो है एक यहाँ पर एक छोटा सा ये छेद बनाया हुआ है, ठीक है, देख पा रहे हैं ये छोटा सा हमने छेद ये बनाया हुआ है। ब्लैक जो है ग्राउंड अपन लगा देते हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, नीचे वाले पिन में हम रेड यूज़ कर लेते हैं, नीचे वाले पिन में हमने रेड यूज़ कर लिया है, ऊपर वाले में हम ब्लैक वायर लगा देते हैं, परफेक्ट। ठीक है, स्विच परफेक्ट काम कर रहा है। अब जो हमने इसका हीट सिंक निकाला हुआ है वो हीट सिंक को हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हो चुका है, अब अपने को इसमें बैटरी लगाना है। तो बैटरी लगाना है और उसको पैक करना, उससे पहले मैं अपन आपको बता देता हूँ कि एक बार हम इसमें लगा देते हैं चार्जर पॉइंट, और ये जो स्विच हमने अभी बनाया हुआ है इसको हम प्रेस करते हैं। तो ये अब एक बार हम इसमें पावर लगाते हैं, और दूसरा हम जो है इसमें ये पावर बटन ये बनाया है इसको एक बार प्रेस करते हैं।
तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है आ गया है, कितना जबरदस्त तरीके से ये बन गया है। तो लैपटॉप हमारा बन गया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमें एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेट कुछ करना चाहे तो इस बार कोड को स्कैन करके आप हमें गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।